तो कह रहा हूँ उसको रीट्रेड करते हैं कल की मार्केट के गिरने का सबसे बड़ा कारण था चीन कल हंसी मजाक में बात की थी कि जाना था जापान पहुँच गए चीन लेकिन वो वाकई में चीन से एक बड़ा फैक्टर आया तो वो मार्केट के लिए इस समय बड़ा सवाल चीन का फैक्टर ही है और थोड़ा ग्राफिक प्ले किया करिए प्लीज़ और देखिए जब चीन जो है वो अब मुझे एक बड़ा रिस्क ये बन रहा है कि क्या एफ का फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगा ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अब एफ के की फेवरेट बनेगी चाइनीज मार्केट उसका कारण क्या है जो चीन का मार्केट है वो भारत के मुकाबले काफी सस्ता है और ये एक रिस्क फैक्टर निकलकर आ रहा है कि क्या पैसा जो है वो भारत से निकलकर चाइना में जाएगा लेकिन हमारे पास वो है जो चीन के पास नहीं है आशीष वो है एक डेमोक्रेसी प्लस डेमोग्राफी का एक वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन क्यों हमारी मार्केट ने चाइना तो पिछले बीस साल से सस्ता रहा है ना हमसे अब ये होना होता तो पिछले 20 सालों से हो रहा होता लेकिन हम लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं 20 साल से आउट परफॉर्म करे जा रहे हैं चाइना को आउट परफॉर्म करे जा रहे हैं चाइना को और <स्थाँगा> कई बार पैसा आता है हमारी मार्केट में कई बार पैसा नहीं आता हम दोनों केसेस में आउट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी मार्केट महंगी थी महंगी है और महंगी रहेंगी क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा महंगी होती है तो इसके लिए ये एक कारण है एफ़ का पैसा जाएगा बाहर हो सकता है रिस्क है कल जैसे दस हज़ार करोड़ की सेलिंग हुई ताबड़तोड़ सेलिंग थी लेकिन हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी तैयार है ऐसा नहीं है कि वो प, उसके पास पैसा नहीं है वो हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की ताकत पिछले चार साल में देख ली है और वो ताकत आपको और दिखानी होगी अगले कुछ महीनों में क्यों क्योंकि पहले भी कौन सा हमारा बाज़ार एफ़ चला रहे थे पहले भी तो हमारा मार्केट जो है वो डोमेस्टिक पैसे से चल रहा था हाँ एक चीज़ है अगर दस हज़ार करोड़ की रोज़ की सेलिंग होगी और वो कुछ लार्ज कैप में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी उसको मैं कहता हूँ टीदिंग पेन थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी एच बैंक की बेच देंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर आप रिलायंस की बेच देंगे अगर ये सब होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन आ, जो हमारी जो सेलिंग है काफ़ी बड़ी है और चाइना में बड़ी बाइंग हो रही है मैं सुबह हॉर्मास के डेटा देख रहा था मुझे वो इतना अच्छा लगा मैंने कहा कि जरा एक बार वो डेटा को रिट्रेट किया जाए और रिविजिट किया जाए चीन में जो चार बड़े ई हैं वहाँ पर वन बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है आशीष और जो चारों बड़े ई टी हैं उनमें 2022 के बाद की सबसे ज़्यादा बाइंग है अब वो चार नाम जो हैं क्रेन शेयर्स एक्स ट्रैकर्स आई शेयर्स चाइना और आयशियस एम एस उसमें देखिए पहले दो में तो हाफ बिलियन डॉलर की बाइंग mm. उसके बाद टू मिलियन वन मिलियन ये इस लेवल की बाइंग यहाँ पर हो रही है तो ये एक फैक्टर है कि mm. क्या एफ का पैसा चीन से निकलकर सॉरी भारत से निकलकर चीन में जाएगा और इसका जवाब भी है कि हाँ जाएगा चलिए मैं जवाब भी इस खुद भी दे रहा हूँ कि हाँ जाएगा कुछ टाइम के लिए ये दिक्कत रहेगी लेकिन इसका मार्केट पर कितना फर्क पड़ेगा वो डिपेंड करेगा इसमें से कितनी सेलिंग को एफ की सेलिंग को हम डी आई कर लेंगे और मेरा तो ये मानना है जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लार्ज कैप में कम्फर्ट कम्फर्ट है अगर ये लार्ज कैप बेचेंगे तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे अगले कुछ दिनों में आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं लार्ज कैप स्टॉक खरीदने के लिए क्योंकि वहाँ पर अगर सेलिंग आएगी एफ की वजह से तो वो आपको अच्छे प्राइसेस देंगे बाय करने के लिए